नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अंबाला चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर स्थित लालड़ू में टीसी स्पिनर्स फैक्ट्री के अंदर खोली गई एक निजी दुकान में कंप्रेसर फटने से हुआ जबरदस्त धमाका। जालंधर की आदर्श नगर चौपाटी में गाड़ी स्थायित करने को लेकर हुई नोकझोंक ने लड़ाई का रूप किया धारण, दो युवक गंभीर घायल। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर खन्ना पुलिस ने हाईटेक नाके के दौरान दो लोगों को किया काबू, एक क्विंटल 66 किलो चांदी और एक कार की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अंबाला चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर स्थित लालड़ू में टीसी स्पिनर्स फैक्ट्री के अंदर खोली गई एक प्राइवेट दुकान में रखे रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर अचानक फट जाने के कारण जोरदार धमाका हो गया, जिस कारण आसपास खेल रहे चार बच्चे, दो महिलाओं सहित आठ लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु पीजीआई चंडीगढ़ और सिविल अस्पताल अंबाला में दाखिल करवाया गया है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि दुकान की दीवार ढह गई, दरवाजा टूट गया और फ्रिज के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर इस घटना में कोई जानी नुकसान होने से बचाव हो गया। वहीं मौके पर जायजा लेने पहुंचे स्थानीय पत्रकारों की टीम के साथ प्रबंधकों द्वारा बुरा व्यवहार किया गया और घटना वाले स्थान पर जाने से रोक दिया गया, ताकि फैक्ट्री प्रबंधों की सुरक्षा को लेकर कोई पोल ना खुल जाए। तो वहीं उक्त घटना संबंधी किसी भी प्रबंधक ने कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। पुलिस द्वारा अभी तक किसी व्यक्ति पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और बिना शिकायत लिखे मामले की जांच की जा रही है। इस मौके पर एएसआई पवन कुमार ने कहा कि घायलों के बयान लेने के बाद बनती कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जालंधर में देर रात थाना 2 के अंतर्गत आते आदर्श नगर चौपाटी में गाड़ी को साइड करने को लेकर हुई नोकझोंक एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। इस झगड़े में एक पक्ष के दो युवकों पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए घायल बस्ती शेख निवासी अमनदीप ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ आदर्श नगर चौपाटी आया था। जब वह गाड़ी निकालने लगा तो एक गाड़ी रास्ते में खड़ी थी। जब उसने गाड़ी चालक को साइड में करने को बोला तो वह झगड़ा करने लगा। झगड़े के दौरान उसने अपने और साथी तेज धार हथियारों सहित बुला लिए, जिन्होंने आते ही उस पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। अमनदीप ने बताया कि गंभीर चोटें आने के बाद जब वह सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आया तो यहां पर भी उक्त युवकों ने आकर उन पर हमला कर दिया, जिस पर सिविल अस्पताल में मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया। तो वहीं इस संबंध में थाना 4 के प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि झगड़े की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने मुस्तैदी से माहौल को संभाल लिया। उन्होंने कहा कि घायलों के बयान के मुताबिक मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर गल तो इतना हो गई, खास कुछ नहीं है। अगला जो समझ लो ना कि मतलब अगला गल बधाना चाहता वा उन्हें वो बधाई है गल। आप तो उत्थे मतलब दर्शन करना खाने पीने गए ही नॉर्मल है ना जी। तो साड़ी ना गड्डी अगे गड्डी लगी ही, अगला ने जिद जिद करके ना गड्डी ना डाउन करके ना उसे गड्डी साड़ी खड़ी कर गया। अगले उन्होंने कहा आ छोटे वीर अनु इन्हें एक सानू उन्होंने कहा कि मतलब ना तेरा साड़ी शीशे साड़ी गड्डी का ना तेरा शीशे मतलब वज गया टुट जाना वा। वो इदा ना चोट चोट से ना कह लग पाया कि अपना कि मैं अज तक मेरे नाल मैं मेरा वीर फिर कड़ ला है ना ਕਿਰਪਾਨ ਮਤਲਬ ਲੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਾਰਤੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸਾਡੀ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੇਸਬਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਿਆ 15 ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 4-5 ਜਣੇ ਜੀ ਸਰ ਮਾਰ ਮੁਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਗਏ ਸਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਚ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ?
लाठीचार्ज नहीं हल्का मतलब बंदे जो बंद एक बंद पाए तो उन्हें छुड़ाने किया हुआ। अच्छा जी। तो जोड़ा उन्होंने वजिया काम किया इतने कोई मतलब हंगामा नहीं होना था उन्होंने जी जी। तो उस तो बाद हम जी हाँ कोई एम एल आर आई है अभी जो भी ये कानून था वो सख्त तो सख्त कार्रवाई करा जी। इतने पार्टी आई से एम एल आर कटा उन्होंने नाम वगैरह पता कुछ कितने रहने ना जस्ट अभी हमने आए हैं अभी एम एल आर कटा रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर दोराहा में हाईटेक नाके पर खन्ना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब एक कार में से एक क्विंटल 66 किलो चांदी बरामद की गई जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी हरसिमरन सिंह क्षेत्रा ने बताया कि कार की डिग्गी में स्पेशल जगह बनाकर एक क्विंटल 66 किलो चांदी उत्तर प्रदेश से अमृतसर लाई जा रही थी जिसमें दो व्यक्तियों को पुलिस ने काबू किया है जो आगरा से अमृतसर जा रहे थे। चांदी का कोई बिल ना होने के कारण ये मामला अगली जांच के लिए आमदन एवं कर विभाग को दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कल साड़ी हाईटेक नाके की टीम ए एस आई सुखवीर की निगरानी हेठ जिहड़ा उन्होंने कल दुराहे विखे नाका लगाया सीगा शामी जिस दे तहत कल दौराने चेकिंग एक यूपी नंबर की अर्टिगा गड्डी जिहड़ी रोकी गई सीगी। ड्यूरिंग चैकिंग जी है गड्डी का जो पिछली डिग्गी वाला एरिया सीगा वो एक सैपरेट थले जिथे स्टपनी होंगी एक स्पैशल कंपार्टमेंट बनया होया जी थोरो चैकिंग करने उपरंत जनू जब चैक किया गया तो वो 166 किलो 650 ग्राम जी है चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई। गड्डी विच दो जिहड़े सवारी सवार कर रहे थे जिन्हां चों एक ड्राइवर सीगा ते एक उहदे नाल सीगा ये दोनों न्यू आगरा के रहने वाले सीगे। जब इन्हां तो चांदी के रिगार्डिंग ज्वेलरी के रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई मालकी या कोई बिल वगैरह मंगे गए तो कोई भी जिहड़ा हैगा डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सके जिस तो जो उपरंत जिहड़ा उन्हां को थाना दुराहा विखे लियाया गया तो जिहड़ी इनकम टैक्स लुधियाणे की टीम है जिन्हां नूं बुलाया गया तो जिन्हां ने अगे जिहड़ी हैगी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी गई है। तलवंडी साबो के दुकानदारों से लूट करने और फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 नौजवानों को तेजधार हथियारों सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी तलवंडी साबो बूटा सिंह ने बताया कि रखा राम ने शिकायत दी थी कि राजदीप सिंह के साथ 2 और नौजवानों ने उनकी दुकान में दाखिल होकर 10,000 रुपये की मांग की और तेजधार हथियार दिखाकर धमकियां भी दी जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए पीड़ित रखा राम के बयानों पर राजदीप सिंह निवासी तलवंडी साबो और 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी राजदीप सिंह और धर्मप्रीत सिंह उर्फ धामी निवासी मलकाना को काबू कर लिया जिनके पास से तेजधार हथियार भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके और तीसरे आरोपी को भी काबू किया जा सके। जो रखा राम पुत्र ब्रिजलाल तलुंडी का रहने वाला दुकानदार है जिसने दसिया कि वो अपने घर हाजिर सी तो वो घर राजदीप सिंह राजू जिन्हों जानता भी है तो पछाणता भी है पुत्र हरमेल सिंह जिदे हाथ च कापा फड़िया होया सी तिखा तो उहदे नाल 2 जिहड़े मोने नौजवान होर सी तिन्नों दे घर अंदर दाखिल होए जिन्हां ने उस तों पैसों की मांग की कि तू सानू 10,000 रुपये महीना जोड़ा है वह दया कर उन्हें इनकारी की गुथू गुथा हुए तो जो परिवार से बच्चे आ गए तो यह जो अपने हथियारों समेत मुख्य तो भज गए। ये सूचना मिलने मुख्य अफसर वालों ASI परविंदर सिंह हदायत करके रखा राम का बयान लिख के मुकदमा दर्ज करने हदायत की जो ASI परविंदर सिंह वालों मुकदमा नंबर 12 17/1/2023 अधीन धारा 452 384 34 IPC थाना तलुंडी साबो दर्ज करके तफ्तीश आरंभ कर दी। सर कितने बंदे फड़े गए और भी दुकानों से कुछ किया इन्होंने कि किस तरह की दौराने तफ्तीश इस केस में जोड़ा है हुण तक असी 2 दोषी जोड़े है वो फड़े गए हैं जिसे राजदीप सिंह राजू जोड़ा ये मेन जोड़ा मास्टर माइंड है जिदे ते हुण तक जो पड़ताल पुराना रिकॉर्ड पड़ताल करने से पता लगे ये 11 मुकदमे जोड़े है दर्ज ने जिसे 3 सिलेक्ट के मुकदमे तो ND के मुकदमे जो NDPS के मुकदमे नशीले पदार्थों से जोड़े वो भी दर्ज ने।
संगरूर के मुनक में गत रात्रि पराली के बने हुए डंप को भीषण आग लग गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए डंप के मालिक दीपक कुमार ने बताया कि आसपास के गांवों में से खेतों में से इस पराली को इकट्ठा कर यहां पर डंप बनाया गया था और यह पराली आगे अलग अलग कंपनियों में बेचते थे और इस डंप में 4800 क्विंटल पराली इकट्ठी की हुई थी जिसमें गत रात्रि आग लग गई और जिसे बुझाने के लिए 4 जिलों की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पहुंची हैं। तो वहीं आग लगने का कारण उन्होंने शरारती तत्वों को बताया है, इसलिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जिसने भी यह आग लगाई है उससे पकड़ा जाए क्योंकि इस आगजनी से उनका 15 से 16 लाख का नुकसान हो गया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। कारण का अजे तक पता नहीं लगेगा, बाकी जांच चल रही है। देखो जो भी प्रशासन को उम्मीद हैगी भी जिन्नी मदद होएगी मदद करेंगे तो पता करेंगे। तो जे आप गल करिए नुकसान की तो जैदा ला के चलो कल सू तकरीबन 7 बजे पता लग गया था तो 6:45 बजे आसपास की घटना हो जाएगी। तो तकरीबन ला के चलो जी थोड़ा 4800 क्विंटल कुछ माल सा मतलब कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैगा अजे तक। तो बाकी हजे देखते हैं जी की हैगा फायर ब्रिगेड किन्ने जिले अपने ये जी अपने तकरीबन 4 जिले की फायर ब्रिगेड आई हैं जी। समाने की आई है पटियाला जिले की, फतेहाबाद जिले की आई सब तो पहला, उस तो बाद संगरूर जिले की आई है जी। तो इन्हों की चलिया जी 4 फायर ब्रिगेड आई हैं जी। यदा पर पता जिदा सरकार का आप देख ही रहे हैं भी वातावरण खराब हो रहा है वो करके प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। उन्होंने बचाने लिए एक नवे प्रोजेक्ट चले हुए हैं जी, मतलब कि पराली ना जलाई जाए उन्होंने सही यूटिलाइज किया जाए। तो उसे देखते हुए अपने मतलब कि लाई सी अपने यूनिट तो उस तो बाद जो अपने मशीन चले अपने स्टो कुछ माल दिता भी है। मंग तो जी है जी प्रशासन करनी पुलिस प्रशासन करनी अद्धी है जी, वो जांच की जाए बंदा जे पकड़ाई चाहे क्योंकि यह शोर है जी हुई तो शरारती है जी, क्योंकि जो आप लाइए जी हजे भी गठा पीएँ जो उन्होंने खोल के जो कोई कोशिश वगैरह तो भी अग नहीं लगती जी। ठीक है ना, जब जिम्मे कहा जाता जी बीड़ी ना लगी सिगरेट ना लगी इतना कुछ नहीं होंगे गा, यह चीज़ा नहीं लगती, यह कोई शरारती की जाती है। राजस्थान से प्लास्टिक वाली खूनी चाइना डोर बसों के माध्यम से बठिंडा शहर में पहुंच रही है जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। तो वहीं बठिंडा की वीर कॉलोनी के रहने वाले सतेंद्र कुमार ने नकली दुकानदार बनकर इस चाइना डोर को पकड़वाने में मदद की है। हमारी टीम ने रात 2:55 पर चाइना डोर की इस खेप को पकड़वाने में मदद की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान के झुंझुनू शहर के रहने वाले कपिल नामक थोक विक्रेता ने इस माल को भेजा था। इन्होंने जिहड़ा नकली कस्टमर बन के जिहड़ा स्टिंग करवाया हैगा ऑनलाइन कंपनी तो इन्होंने मंगवाई सी। सोनू जी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि चाइना डोर कितनी घातक है आप सबको पता है, लेकिन मैं बहुत टाइम से देख रहा था कि चाइना डोर ऑनलाइन मंगवाई जा रही है, बसों से पार्सल हो रही है, ऑनलाइन मंगवाई जा रही है। तो देखो मैं माननीय SSP साहब और DC साहब की नॉलेज में ले आके मैंने ये राजस्थान से स्टिंग ऑपरेशन करवाया, नकली ग्राहक बन के मैंने राजस्थान से गुट्टू मंगवाए थे और ये देवराज बस है, इस बस के थ्रू ये डिलीवरी हो चुकी है और पुलिस यहाँ मौके पे, मैं पंजाब पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि रात को 2 बजे उन्होंने साथ दिया और इस तरह इसकी डिलीवरी जो है ना पकड़ने में मदद की। और हो सकता है आप पुलिस को बहुत डूबाई से जांच करनी चाहिए कि इससे पहले भी बठिंडा में कितने इस तरह के पार्सल आए हैं और कितने घरों में ये मौत की डोर चाइना डोर पहुंच चुकी है। मैं बठिंडा के SSP और हमारे DC साहब का धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने इस मुहिम में साथ दिया और उनके द्वारा भी आज ये इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि ये थ्रेड या धागा यहाँ पर पहुँच चुका है। कपूरथला के अधीन आते नडाला के गांव टांडी दाखली के 52 वर्षीय पूर्व फौजी की अमेरिका में सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के मामा मंगत सिंह ने बताया कि उनका भांजा सुखविंदर सिंह फौज में 18 साल नौकरी करने के बाद सुनहरे भविष्य की तलाश में 2011 में अमेरिका गया था और कैलिफोर्निया के फर्जीनो शहर में रह रहा था जहाँ पर वह ट्रक चलाने का काम करता था और उसका एक लड़का और लड़की पिछले 4 सालों से कनाडा में रह रहे हैं। गत रात्रि कनाडा से उसके बेटे ने फोन कर जानकारी दी कि उसके पापा की अमेरिका में एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। वहीं मृतक व्यक्ति की पत्नी सुरेंद्र कौर ने उसके पति की मृतक देह को भारत लाने के लिए सरकार से अपील की है। ओ, मैं इन्ना गल्ला जोगानी सी भेजिया बाहर तेनू मेरे यार रब्बा मैनू एक बारी दस दे चुप कर हाय
ਡੱਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਗਰੂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਡੱਬਾ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 1:30 ਵਜੇ पंजाब के खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्री लालचंद कटारू चक्की और से फतेहगढ़ साहिब में अनाज गोदामों की चेकिंग की गई। इस दौरान वहां पर कई कमियां पाई गई जिसे लेकर मंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और जल्द से जल्द इन कमियों को दूर करने की बात कही गई है। 34वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को समर्पित ADGP ट्रैफिक पंजाब SAS राय और SSP अमृतसर देहात स्वपन शर्मा के दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रैफिक एजुकेशनल सेल अमृतसर देहात के इंचार्ज ASI इंद्र मोहन सिंह और हवलदार मेचर सिंह ने जंडियाला गुरु मुख्य मार्ग पर स्थित हाईटेक पुलिस नाका ब्यास के नजदीक पेट्रोल पंपों और बाजारों में जाकर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ASI इंद्र मोहन सिंह ने कहा कि 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलाया गया जिसके तहत वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करते हुए सीट बेल्ट लगाने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना करने और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के बारे में जागरूक किया गया है। तो वहीं इस मुहिम के तहत अलग अलग जगहों पर 120 के करीब वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए और जागरूकता इश्तेहार भी बांटे गए। वहीं ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों की पुलिस टीम की ओर से प्रशंसा भी की गई। झंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम है जो जिन्या भी सड़क पर घटनावां होंदियां उस पुलिस का एक यो जहाँ रिकॉर्ड है कि सब तो पहला वो पहुँचते उत्थे उदा जो भी जायजा उन्हें लेना वो उन्हें सब तो पहला काम उन्हों का वो फिर साढ़े को इतने आते भी आ समझाते भी आ हर बंदे नूं चार बंदे इकट्ठे करके समझाउंदे आ कोई रूलों बारे दसदे गड्डी दे किदां गड्डी चलाउणी कदी गड्डी दे कागज़ चाहिए आ पूरे चाहिए आ सो बे जानकारी जिहड़ी आ इह पंजाब पुलिस ही देंदी आ और मौके ते अज इही दस्या गया इह रूल दसे आ सड़क दे गड्डियां दे जिदां चलान तुहाडे हुंदे आ जे कागज़ तुसीं पूरे रखदे हो तां तुहाडा चलान होणा ही नहीं जे तुहाडे ओह कागज़ नहीं चलान तां होणा ही होणा इह ते पुलिस ने चलो करना ही पैंदा उहनां नूं ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਐਸ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਆ ADGP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ SSP IPS ਸ੍ਰੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁੱਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। भारतीय किसान यूनियन की ओर से संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा 26 जनवरी को हरियाणा के जिंद में होने जा रही महारैली को लेकर गांव में से एक मोटरसाइकिल मार्च निकाला गया। संयुक्त किसान मोर्चे के अंतर्गत आती 6 राज्यों की किसान जत्थेबंदियां इस महारैली में भाग लेगी और भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा 1 लाख के करीब किसानों के साथ इस रैली में शामिल होंगे। तो वहीं कहना है कि केंद्र सरकार के साथ उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक MSP पर गारंटी किसानों को नहीं दी जाती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो लखां की गिणती का साडा एस्टीमेट है, लखां की गिणती दे विच जाणगे उस दे संबंध दे विच अज इह मोटरसाइकिल मार्च कर रहे हैं लोगों नूं लाभवंद करन वास्ते, लोगों नूं जगाउण वास्ते भी भरावो कल्यां कल्यां नाल कुछ नहीं बनना हैगा, सारिआं नूं इकट्ठे हो के इस लड़ाई दे विच सानूं कुदना पऊगा। क्योंकि जिहड़ा सेंटर दी सरकार ने साडे नाल उस टाइम लिखती वादे कीते सी ओह सारे वादिआं तों सरकार मुकरी हैगी, ओह सारे वादे लागू करवाउण वास्ते उहदे विच MSP दी कानून गरंटी हैगी, उहदे विच साडे किसानां ते पाए हुए परचे रद्द कराउण दी गल हैगी, उहदे विच जिहड़े लखीमपुर खीरी दे साडे किसान ने गे ਤੜਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ
ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾ ਦੌਰਾ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ੋਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਉਹਨੇ ਆ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਓ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸੁਣਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਵੇਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੋਕ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਆਪ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੋਇਲਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਗੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਟੋਇਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਊਂਡ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਦੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਦੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜਤੀ ਗਈ ਹੈ। एपीजे स्कूल टांडा रोड जालंधर में निशुल्क दांतों की जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर हरवीन कौर के नेतृत्व में दंत चिकित्सकों की टीम ने छात्रों का व्यापक डेंटल चेकअप किया। इस शिविर में छात्रों को सामान्य दंत रोगों के बारे में शिक्षित किया गया। इसके साथ ही दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारियों की रोकथाम हेतु विशेष जानकारी भी दी गई, तो वहीं छात्रों को संतुलित भोजन खाने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस मौके पर स्कूल की समन्वयक दीप्ति कौशल ने दंत चिकित्सकों और उनकी टीम का धन्यवाद भी किया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। टुडे वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फ्री डेंटल चेकअप एंड अवेयरनेस कैंप फॉर आवर स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, दैट इज एपीजे स्कूल टांडा रोड जालंधर। इन दिस डॉक्टर हरवीन कौर वॉज द डेंटिस्ट हु हैज चेक द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद हर टीम। And Dr. Harveen Kaur, she is a professor at PIMS Medical College, Jalandhar, and she is running her own clinic as well. She has guided the students on the oral hygiene as well as the dental problems, the students they are having. So the dental checkup was done for the individual students, and I hope the students must have learned that how to keep oral hygiene for their teeth, and they will be carrying forward this guidance along with them. Thank you. I am Dr. Harveen, maxillofacial surgeon and implantologist. Aaj hum APJ school mein check up kar rahe hain bachon ke daanton ka. Jo main hame lag rahi hai dikkat bachon mein aajkal aa rahi hai, bahut zyada keeda lagne ki daanton mein, jo ki aajkal ke lifestyle ki wajah se hai. Bachon ki diet बहुत ज़्यादा आजकल प्रोसेस्ड फूड पे हो गई है और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बच्चे आजकल कम खाते हैं, उनको खिलाने भी बड़े मुश्किल हैं। उसकी वजह से प्रोसेस्ड फूड जो है दांतों में चिपकता है, शुगरी चीज़ें, शुगर ड्रिंक्स, पानी की जगह पे बच्चे शुगर ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं, उसकी वजह से दांतों में चिपकने वाला फूड जो है वो ज़्यादातर इस मसले का कारण बनता है। तो यही हल है कि बच्चों ये ध्यान रखो कि आपकी डाइट क्या है, अवॉइड करो ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ें, शुगरी चीज़ें, ज़्यादा फाइबर खाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स फूड जो कैल्शियम में रिच हो, दही दूध पनीर ऐसी चीज़ें, और ब्रशिंग जो है बच्चों में नाइट ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे दिन का खाया जो है रात को बच्चे ब्रश करके सोएं तो उतना ही बैक्टीरिया हमारे मुँह में कम जमेगा, उतना ही कम कीड़ा लगेगा दांतों। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त मंत्रमाला जाप कर मुख्य यजमान दीक्षा शर्मा से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाईं।
वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को आहुतियाँ डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्राय हम चिंतन करते रहते हैं, लेकिन हम में से अनेक व्यक्तियों को सम्यक रूप से चिंतन करना नहीं आता। वस्तुतः हमें चिंतन करना सीखना चाहिए, चिंतन से उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि ना बुरा देखें, ना बुरा सुने और ना बुरा बोले, ऐसा करना सभी के लिए हितकारी होता है। तो वहीं नवजीत भारद्वाज ने बताया कि श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ मंदिर परिसर में प्रत्येक शनिवार को आयोजित किए जाते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत 21 जनवरी को आने वाले शनिवार को अमावस्या है, अंत इस दिन अलौकिक विशेष हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शनि अमावस्या के दिन पितृपक्ष, शनिदोष एवं अन्य कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति हेतु हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। सभी भक्तजन इस अवसर पर सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। हवन यज्ञ साई 6 बजे से आरंभ होगा और विशाल लंगर भंडारा रात्रि 8:30 बजे से शुरू होगा। वहीं इस अवसर पर श्रीकंठ जज पवन विक्रम भसीन, संजीव सौंधी, रविंद्र बांसल, प्रिंस कौंडल, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, गौरव कोहली, अमरेंद्र कुमार शर्मा, राजेंद्र कतियाल, राकेश प्रभाकर, बलवंत बाला, मुनीश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, अमरेंद्र सिंह, संजीव सावरिया, यज्ञ दत्त, रॉकी बाबा जोशी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, संजीव गुप्ता, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, साबी, अभिलक्ष्य चुग, लक्की, बाबा खन्ना, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से प्राचीन शिव मंदिर दामोरिया पुल जालंधर में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्री श्री 108 स्वामी सिकंदर जी महाराज और गुरु मां नीरज रत्न ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस मौके पर विशाल शर्मा, वैभव शर्मा, पंडित चक्र प्रसाद जोशी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जाप होता है, सिमरन होता है और मंत्र उच्चारण होते हैं, ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए, आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए और हिंदू धर्म में जो रीतियाँ हैं उसको दूर करके आप सबको मंत्रों द्वारा, आप सबको पूजा पाठ के द्वारा माँ भगवती और सनातन धर्म में पुण्य शिक्षित करने के लिए जो पिछले काफ़ी सालों से हमने प्रचलन चलाया है, ये जो यज्ञ किया है, ये जो आयोजन है, इसके द्वारा हम यही चाहते हैं कि आप सबको मंत्रों के प्रभाव का पता चले, मंत्रों में जो शक्ति है, जो मंत्रों में संचार है, उस सब का आप अच्छी तरह से उसको फलीभूत कर सके और अपने आप को अपने इष्ट के द्वारा, अपने इष्ट के जो मंत्र हैं उनके द्वारा अपने घर परिवार को आप सुख समृद्धि की ओर ले जा सके।
कालिका धाम किशनपुरा में माघ महीने के उपलक्ष्य में विशाल हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने हवन यज्ञ करवाया। इस मौके पर समाज सेविका ज्योति चड्डा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर हवन यज्ञ में आहुतियां डाल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान ज्योति चड्डा द्वारा मां काली जी की मूर्ति कोलकाता से लाकर आचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित को भेंट की गई, जिसे आचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित द्वारा विधिवत ढंग से मंदिर में स्थापित किया गया। इस मौके पर पीयूष चड्डा, कृष्णा चड्डा, गोकुल शर्मा सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से। कालिका धाम किशनपुरा जहाँ हर शनिवार को वैसे महारानी का माँ चंडी का दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया जाता है हमेशा, जिसमें महारानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर भक्त अपना जीवन कृतार्थ करते हैं, सभी कष्टों से मुक्ति भी पाते हैं। और इसी रास्ते पर चलते हुए माघ का पवित्र महीना जो प्रारंभ है, इसमें भी प्रातःकाल भगवान की प्रसन्नता के लिए, जीवन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कालिका धाम में रोज प्रातःकाल हवन यज्ञ भी होता है। और आज माँ भगवती की अपार कृपा से समाज सेविका ज्योति चड्ढा जी, जो कि माँ भगवती की ये प्रतिमा जहाँ महारानी का विशेष स्थान है, वहाँ का विशेष वास है, कलकत्ता से ला करके भगवती के दरबार में महारानी को स्थापना करने लगे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करते हैं माँ भगवती यहाँ पर आने वालों का सभी का कल्याण करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबका मंगल करे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अंबाला चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर स्थित लालड़ू में टीसी स्पिनर्स फैक्ट्री के अंदर खोली गई एक निजी दुकान में कंप्रेसर फटने से हुआ जबरदस्त धमाका। जालंधर की आदर्श नगर चौपाटी में गाड़ी साइड करने को लेकर हुई नोकझोंक ने लड़ाई का रूप किया धारण, दो युवक गंभीर घायल। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर खन्ना पुलिस ने हाईटेक नाके के दौरान दो लोगों को किया काबू, एक क्विंटल 66 किलो चांदी और एक कार की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।